मैम मैथमेटिक्स में जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं किसी भी फंक्शन की, उसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो उसके लिए ना कोई भी अगर प्रोग्राम लिखना है आपने, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोग्राम आप लिखना चाह रहे हैं वो क्या होता है एक्चुअली, और उसमें लॉजिक क्या यूज हो रही है, फिर उसके मुताबिक आप पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं उसको। मैम मैं उसको ट्राई करूंगी, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं स्लैक पे पूछ सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। ओके मैम। कोई कल का लेक्चर रिवाइज करवाना चाह रहे हैं? कोई भी पार्टिसिपेंट? कोई भी नहीं रिवाइज करवाना चाह रहा? ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हमने लिस्ट किया था, लिस्ट क्या होती है कोई बता सकते हैं मुझे? यस मैम, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मैम। बिल्कुल, और इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो कोई बता सकते? मैंने कहा था कि आप लोगों को याद रहनी चाहिए ये प्रॉपर्टीज। चेंज कलेक्शन ऑर्डर्ड होती है और इनको चेंज भी कर सकते हैं एंड डुप्लीकेट। बिल्कुल डुप्लीकेट। और हमने कल देखा था कि लिस्ट में लिस्ट का सिंटेक्स कैसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको सेव करते हैं, और डाटा टाइप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स का डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, लिस्ट का जो टाइप है वो लिस्ट ही होगी, और इसकी हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लेंथ फंक्शन। इसके बाद हमने देखा था कि हम लिस्ट आइटम्स को एक्सेस कैसे करेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे। पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करना है, नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू, उसके अलावा रेंज ऑफ आइटम्स हमने कैसे लेनी है, इसमें हमने नेगेटिव इंडेक्सेस में भी रेंज देखी थी। और इसका सारा कंसेप्ट वही था जो हमने स्ट्रिंग में भी डिस्कस किया था कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ना दें या एंडिंग पॉइंट ना दें तो किस तरह से रन करेगा। इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं इंडेक्सिंग में या एक्सेस करने में या ये रेंज लिखने में। नो मैम, इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन लिस्ट। अच्छा, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, आप में से किसी को याद हो तो वो ऑपरेटर्स में हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़ा था, कोई उसको yes, बताना चाहता है अगर किसी को याद है कि वो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते थे? मैडम, इसमें हम स्पेसिफाइड या स्ट्रिंग में या इधर लिस्ट में चेक करेंगे वो उसमें मौजूद है या नहीं है, इन और नॉट इन के थ्रू। वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में? मैडम, एक इन यूज करते हैं, एक नॉट इन। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, एक इज और दूसरा है इज नॉट। और इसका काम होता है कि आपको बताते हैं। अच्छा, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी भी दो वैल्यूज को ऑपरेट करते हैं। जैसे मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, डिवाइड का ऑपरेटर्स, इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जैसे एंड और नॉट जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसी तरह और भी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, इन और नॉट इन। और इन दोनों का क्या मतलब है? बहुत सिंपल, जैसे ये नाम पी शो कर है, इनका मतलब है कि किसी चीज में मौजूद है, और नॉट इन का मतलब है कि किसी चीज में मौजूद नहीं है। ये दो ऑपरेटर्स ही होते हैं सिर्फ, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और ये बताते हैं कि क्या एक चीज दूसरे में है या नहीं। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स की रिटर्न टाइप क्या होती है? जब हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है?
कोई पार्टिसिपेंट बताए मुझे रिटर्न या फॉल्स बोलियन बोलियन यस नो यस और फॉल्स सॉरी ट्रू और फॉल्स या ट्रू या फॉल्स जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि प्रिंट 5 इन लिस्ट 1 मैं देखती हूँ ये रन करता है यानी क्योंकि लिस्ट 1 हमने ऊपर वाले सेल में लिखी हुई है लिस्ट 1 हमारे पास वैसे क्या थी लिस्ट 1 ये थी जिसमें था पूल 5 टेबल 4.3 और ट्रू ये इसमें पांच वैल्यूज हैं पर अब हमने यहाँ पे लिखा कि रिटर्न प्रिंट 5 इन लिस्ट 1 कि 5 लिस्ट 1 में है तो अब ये हमें बताएगा ट्रू और फॉल्स की सूरत में कि क्या 5 लिस्ट 1 में है या नहीं और इसी का ऑपोजिट काम करेगा नॉट इन ये हमें ट्रू तब रिटर्न करेगा जब हमारे पास ये स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक आइटम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है जब वो लिस्ट कॉपी करके ना यहाँ लिख लें ताकि सामने नजर आ जाए ठीक है मैं लिख लेती हूँ तो जैसे 5 इसमें था तो उसने हमें इन वाले में ट्रू इन वाले ऑपरेटर के रिजल्ट में ट्रू प्रिंट करवा दिया और नॉट इन के ऑपरेटर में फॉल्स नॉट इन का क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं कि प्रिंट 5 नॉट इन लिस्ट 1 के बताओ कि 5 लिस्ट 1 में नहीं है तो 5 क्योंकि लिस्ट 1 में मौजूद है तो वो कहेगा फॉल्स कि आपकी स्टेटमेंट ये ठीक नहीं है इसी तरह हम कोई और मेम्बर इधर ट्राई करते हैं कोई और लिस्ट आइटम लिख के तो अब इसका ये तो सबको ही पता चलेगा ये कि फॉल्स है फूल मौजूद है वो हमें ट्रू दे देगा और अगर हम इसमें कोई ऐसा आइटम लिखते हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं है तो फिर वो हमें फॉल्स दे देगा जैसे जब इन्वर्टेड कॉमास में ना 4.3 लिखिएगा और फिर पार्टिसिपेंट से पूछिएगा कि ट्रू देगा या फॉल्स बताएं इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगी जब मैं इसको रन करूंगी फॉल्स फॉल्स क्योंकि वो इंटीजर है और हम स्ट्रिंग बना रहे हैं नहीं वो हमारे पास फ्लोट है और हम स्ट्रिंग बना रहे हैं हां जी बिल्कुल जी हमारे पास आइटम हमारे पास लिस्ट में फ्लोट है लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग वाला आइटम हमारे पास वो मौजूद नहीं है क्योंकि बेशक वैल्यूज देखने में सेम है लेकिन क्योंकि उनकी डेटा टाइप डिफरेंट है तो पाइथन कहेगा ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स का पता चल गया सबको वही ऑपरेटर्स इन नॉट इन पहले हमने ऑपरेटर्स के टॉपिक में इसको पढ़ा था फिर हमने स्ट्रिंग्स के टॉपिक में भी पढ़ा और अब हमने लिस्ट के टॉपिक में भी पढ़ा है ये हमारा डिवाइस भी हो गया और आपको पता भी चल गया कि इसको यूज लिस्ट में कैसे करना है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज लिस्ट आइटम्स ये मैंने जब आपको बताया था कि लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती तो यहाँ पे अब पता चलेगा कि क्या इसका मतलब था उस प्रॉपर्टी की वो जो एक स्टेटमेंट थी दोनों में लिस्ट में भी और स्ट्रिंग में उसका एक्चुअली मतलब क्या था यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और लिस्ट है लिस्ट 2 के नाम से जिसमें मैंने कुछ स्ट्रिंग एलिमेंट्स या स्ट्रिंग आइटम्स ऐड किए हुए हैं अब इसका इंडेक्स 1 यहाँ पे मैंने यूज किया है कोई बताएगा इंडेक्स 1 पे एक्चुअली यहाँ पे इस लिस्ट में क्या है विंटर बिल्कुल तो हम कह रहे हैं कि लिस्ट 2 का इंडेक्स 1 जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर शो कर है कि इस लिस्ट का इंडेक्स उसको वैल्यू दे दो गो और फिर इसको प्रिंट करवा दो अब जब हमें लिस्ट 2 प्रिंट होगी तो इंडेक्स 1 पे विंटर की जगह गो लिखा हुआ आ रहा है यही चीज अगर हम स्ट्रिंग में करना चाहें जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल में की भी थी मैं यहाँ पे एक दफा फिर से कर देती कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास एनीथिंग और अब हमने कहा कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स नंबर 1 है जिसमें अभी एन है उसको आप कर दें एच और फिर प्रिंट करवा दें स्ट्रिंग
तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एरर की टाइप क्या है. वो कह रहा है टाइप एरर ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट का लास्ट. ओके, यहाँ पे टाइप एरर को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी इसमें आइटम को आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते. मरियम, हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं. आप कह रहे हैं किधर करेंगे, मैं अगर आप स्लैक पे आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ऑपरेटर्स के नोट्स भी हमने वहां पे ऐड कर दिए हुए हैं. मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, फिर हम वापस इसी पे आते हैं. ये था हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक. इसमें हमने ये ऑपरेटर्स पढ़े थे, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जो अभी भी हमने पढ़ा है. हर ऑपरेटर की डिटेल है. अरिथमेटिक ऑपरेटर में बिल्कुल मैथ के सिंपल चीजें हैं जैसे आपको नजर आ रही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब कुछ. उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक इसी में चीज है, जैसे अलजेब्रा में हम लोग सॉल्व करते थे कि पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई, अगर किसी में पैरेंथेसिस है या किसी ऑपरेशन के ऊपर बार है तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा. इसी तरह कुछ पाइथन में भी प्रेसिडेंस है, ये वो चीज है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बिल्कुल इजी हैं, वैसे ही जैसे हम बचपन से मैथ में करते आ रहे हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स जो फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं. और मेंबरशिप ऑपरेटर्स वो हैं जो हमने अभी पढ़े हैं. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी हमने इसमें पढ़े थे. और अगर आप इनको देखना चाहेंगे तो ये स्लैक पे ऑलरेडी इसको हमने शेयर कर दिया था और शायद निम्रा ने पिन भी कर दिया था. जब अभी नहीं मैंने किया लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक कर दूंगी. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए मरियम तो आप पूछ लें इजीली, हम पहले अच्छी तरह क्लियर करेंगे हर चीज, फिर हम आगे मूव करेंगे. सो बैक टू द प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने कहा था कि हम स्ट्रिंग में ये इंडेक्स को इस तरह से चेंज इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. जब हमने लिखा तो उन्होंने खुद बता दिया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दिस थिंग, इसलिए हमारे पास एरर आ गया है. तो अब ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई कि इसका क्या मतलब है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल या चेंजेबल है लेकिन स्ट्रिंग चेंजेबल नहीं है. यस मैम, समझ आ गया. यस मैम, क्लियर है. हिजाब, ये जो लाइन नंबर 2 है ना, लिस्ट 2, उसमें आप 4 लिखते हैं इंडेक्स नंबर ना, और फिर पूछे पार्टिसिपेंट से कि क्या आंसर आना चाहिए और उसे रन भी कीजिए. हाँ जी, बताएं अब इसमें क्या होगा चेंज. मैम नो चेंज, मैम आएगा ही नहीं क्योंकि इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ही नहीं है. बिल्कुल. और यहाँ पे देखें इंडेक्स एरर, वो उसकी डिटेल भी बता रहा है क्या एरर है. लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो कह रहे हैं कि जिस वैल्यू को आपने कहा कि इस इंडेक्स पे चेंज कर दो वो तो हमें इंडेक्स ही नहीं मिला, तो हम इसको कहाँ ऐड करें, कहाँ चेंज करें. तो ऐसा नहीं हो सकता, आपने जो इंडेक्स इधर पुट करना है चेंज करने के लिए वो विद इन द रेंज ऑफ द लिस्ट होना चाहिए. ठीक है, यानी आप लोगों को समझ आ चुकी है. मैम अगर माइनस 1 करें तब करेगा चेंज के नहीं. हाँ जी, अब इसका कोई और आंसर करे, मैं नहीं करूंगी. माइनस करना चाहिए, बॉटम की जगह पर गो आना चाहिए. एक सेकंड, जिन्होंने क्वेश्चन किया वो खुद ही आंसर करें प्लीज. माइनस 1 इंडेक्स से क्या मतलब है, और माइनस वन नेगेटिव इंडेक्स में चला जाएगा तो माइनस वन जो ऑटम है तो ऑटम की जगह पे गो आ जाएगा. यस, बिल्कुल ठीक है. अब इसके बाद हमने कुछ रेंज, नीचे मैंने कुछ रेंज दी हुई है. अच्छा, यहाँ पे मैंने रेंज दी हुई है 1, 2, 3. अच्छा, आप लोगों ने स्लाइसिंग बार बार पढ़ी है और ये देखा है कि ये जो सिंटेक्स होता है इसका क्या मतलब होता है. कोई मुझे बताएगा 1, 3 इसमें कौन कौन से आइटम जो इंडेक्स ट्रेस होंगे. इंडेक्स 1 है वो हमारे पास विंटर है और स्प्रिंग, विंटर एंड स्प्रिंग की जगह ये रिप्लेस कर देगा लिस्ट एंड 5 को. कोई और बताना चाहे. स्प्रिंग को करेगा चेंज. बिल्कुल, विंटर और स्प्रिंग को इसने रिप्लेस कर दिया.
इसी तरह हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग ऊपर पढ़ी है. अच्छा, यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि इधर मैंने 5 को रिमूव कर दिया, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? कोई गैस करना चाहे, जरूरी नहीं कि आपका आंसर ठीक ही हो, कोई गैस बता दें. दोनों जगह लिस्ट आ जाएगा. हसन, आपका जो क्वेश्चन है कि इंडेक्स 2 हो और वैल्यू रिप्लेसमेंट 1 ही हो, इट माइट बी अदर, आपका क्वेश्चन का इसी में आंसर मिलेगा जो भी मैंने लिखा है. तो कौन गेस करना चाहेगा कि इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा? दोनों जगह लिस्ट आ जाएगा आई थिंक, विंटर और स्प्रिंग की जगह. मुझे आप लोग बताएं कि आउटपुट में हमारे पास जो लिस्ट आएगी उसमें क्या क्या होगा. पहले नंबर पे क्या होगा? समर. समर मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ. दूसरे नंबर पे क्या होगा? लिस्ट. जी लिस्ट. लिस्ट ठीक है, लिस्ट. और तीसरे नंबर पे? अगेन लिस्ट. अगेन लिस्ट आएगा. लिस्ट. अच्छा, हम नल भी हो सकता है, शायद स्प्रिंग भी आ सकता है क्योंकि हम वहां चेंज नहीं हो रहा कुछ. फिर स्प्रिंग, ऐसे ही कह रही हैं आप? जी मैम. ठीक है, लिस्ट या स्प्रिंग, ये गैस है. और उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आटम. मैं कह रही हूँ कैसा नहीं होगा, पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली. ये देखें, अब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं. यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज एक्चुअल एरे में थी, और जो आपने मुझे लिखवाई इनमें भी 4 वैल्यूज लिखवाई हैं. ये आपका गैस था कि शायद इस जगह पे लिस्ट हो या इसकी जगह पे स्प्रिंग हो, लेकिन ये पूरी चीज ही रिमूव कर दी. वो क्यों? अब इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में क्या प्रोसेस करें. एक्चुअली हम कह रहे हैं कि लिस्ट 2 है हमारे पास, 2 उसका इंडेक्स 1 से लेकर 3 तक की रेंज, 1 से 3 तक की जो रेंज है वो क्या आती है, 1 और 3 माइनस 1 जाने के 2, विंटर और स्प्रिंग. इसको रिप्लेस कर दो लिस्ट के साथ. जब इसमें हमने 5 लिखा था तो हमने कहा था कि इसको लिस्ट के साथ और 5 के साथ रिप्लेस कर दो, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इस पूरे को रिप्लेस कर दो लिस्ट की जगह. तो समर और आटम वैसे ही आएगा, लेकिन ये जो हमने अल्टर करना चाहिए थी इंडेक्सेस, उनकी जगह हमारी न्यू वैल्यू यानी कि लिस्ट आ जाएगी. इस बात की समझ आए सबको? नो मैम, लेकिन ना इधर विंटर एंड स्प्रिंग जो थे वो सेपरेट आइटम्स थे, तो 2 टाइम लिस्ट प्रिंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लिस्ट की जब हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उसमें था कि जिस तरह हमने लिस्ट 1 ली थी उसमें कूल वर्ड था, आपने 2 टाइम लिख के दिखाया था कि कूल 2 मरतबा मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी तो लिस्ट 2 टाइम नहीं आ सकता था. अच्छा, जब मैंने कहा था कि कूल 2 टाइम्स लिखा जाएगा, मैं जरा आप लोगों को वो दिखा देती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ किसका क्या. डुप्लीकेट कर रहे होते हैं. यहाँ पे था जी, बिल्कुल. मैंने कहा था कि पहले कूल है और ये सब कुछ, वो इसका इंडेक्स 0 था, उसके बाद हमने जब ये कूल एंड किया, ऐड किया, तो इसका इंडेक्स -1 हमेशा हुआ, तो ये 0 इंडेक्स वाला और माइनस वाला 2 अलग अलग आइटम्स थे लिस्ट में, तो इसका ये मतलब था ना? बिल्कुल जी. yes. सही. तो ये चीज थी कि देखें, अगर कूल ऐसा है कि ये भी सेम वही चीज है जो ये चीज है, लेकिन इसके बावजूद मेमोरी में ये अलग चीज है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ये वाला कूल एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. इसीलिए कहा कि क्योंकि वो ऑर्डर्ड होते हैं, हर चीज को इंडेक्स नंबर से पहचानते हैं, ना कि उसकी वैल्यू से. लिस्ट जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, शायद नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कि जो लिस्ट में सारे आइटम्स हैं उसको इंडेक्स नंबर से पहचाना जाता है, ना कि वैल्यू से. तो बेशक वैल्यू दो सेम है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है लिस्ट के अंदर, इसीलिए हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं. अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज यूज ना कर सकते होते तो इस कूल को और इस कूल को लिस्ट ने एक ही कंसिडर करना था. ऐसा ही है ना? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है उस कॉन्सेप्ट से जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ. यहाँ पे तो डुप्लीकेट वैल्यूज का जिक्र ही नहीं है. यहाँ पे ये बात है कि देखें, एक रेंज को आप समझने की कोशिश करें इस स्टेटमेंट को. एक्चुअली जब यहाँ पे हमने देखा था ये क्या था कि लिस्ट की जो -1 का इंडेक्स है, उसने पढ़ लिया कि -1 क्या है, उसने कहा कि इसको रिप्लेस कर दो गो से, और उसने कहा ठीक है इसकी जगह गो आ जाएगा. जब यहाँ पे मैंने लिखा था
5, तो इसका मतलब ये था कि 1:-3, इसको पहले पढ़ो, 1:-3 क्या है, 1 और 3-1 यानी कि 1 और 2. तो इंडेक्स नंबर 1 को उसने देख लिया और इंडेक्स नंबर 2 को उसने देख लिया, कहा कि अब क्या करूं इस इन इंडेक्सेस के साथ या इन वैल्यूज के साथ. तो फिर हमने कहा कि उनको रिप्लेस कर दो लिस्ट के साथ और 5 के साथ. तो इस पूरे की जगह उसने क्या किया, हमें लिस्ट और 5 प्रिंट करवा दिया. तो आप लोगों को लगा कि शायद विंटर जो है वो लिस्ट जो है वो विंटर की जगह पे आ गया और 5 स्प्रिंग की जगह पे. और अगर हमारे पास 5 मौजूद नहीं है तो स्प्रिंग की जगह पे कुछ भी नहीं होगा, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है, हुआ यही है कि जब उसने उसको हमने कहा कि 1 से लेकर 3 तक की रेंज में जाओ, तो ये दोनों आइटम्स उसने पकड़ लिए. अब उसने कहा कि इनको रिप्लेस कर दो लिस्ट से, तो इन दोनों की जगह पे लिस्ट आ जाएगा और लिस्ट जो हमारे पास एक्चुअल लिस्ट की लिस्ट 2 उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी. मैं इस तरह नहीं होना चाहिए था कि हमारे पास जो विंटर है उसकी जगह भी लिस्ट आए या स्प्रिंग है उसकी जगह भी लिस्ट आए, क्योंकि हमारे पास जो 3-1 है तो विंटर हमारे पास 1 पोजीशन पर है और स्प्रिंग हमारे पास 2 पोजीशन पर है, इसमें ये नहीं अच्छा, होना चाहिए. और यहाँ पे चीज लिखी आपने, मुझे बताना कि आपके आंसर आना चाहिए. जब एक दफा ऐसा करें लिस्ट 2 को ना बराबर कर दें सिर्फ लिस्ट के, स्लाइसिंग रहने दें. हाँ जी, जी निम्रा बराबर करके दिखाऊं. निम्रा आप मीटिंग में हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही. जी मैम, निम्रा कह रही है कि स्लाइसेस खत्म कर दें और फिर आप प्रिंट करके दिखाएं, फिर शायद सबको समझ आ जाए. फिर तो वो सिंपल ही होगा ना, जैसे आप कहने के लिस्ट 1 की जगह. हाँ जी, अच्छा ये तो आप सबको समझ आ गई है कि 1 की जगह हो जाएगा विंटर की जगह लिस्ट आ जाएगा. जी मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी, मैं फिर से वो दिखाती हूँ आप लोगों को. मैम इसका मतलब अगर हमें विंटर और स्प्रिंग दोनों की जगह लिस्ट चाहिए तो हम 2 टाइम लिस्ट लिखेंगे. हाँ जी जी, हम लोग कर सकते हैं. देखिए अब लेंथ भी उतनी है और विंटर की जगह भी लिस्ट है और स्प्रिंग की जगह भी लिस्ट है, क्योंकि ये चीज उसने इकट्ठी देखनी है. मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ यहाँ पे. मैंने एक और वैल्यू, इसको चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम लिस्ट लिस्ट लिख रहे हैं हम लोग. मैम अगर 3 वैल्यूज एंटर करवाएं. हाँ जी, 3 वैल्यूज क्या होगा, जो मैंने अभी बात बताई उसके मुताबिक देख के बताएंगे. देखिए लिस्ट 2 में 1:3, 1:3 का तो आपको पता चल गया ना कि ये 2 एलिमेंट्स इसका इससे मुराद है. अब वो कह रहे हैं इसको रिप्लेस कर दो इन 3 से, अब क्या आउटपुट आना चाहिए. अब यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, लिस्ट पाइथन 4 एज इट इज आ गया विंटर और स्प्रिंग की जगह. तो ये नहीं हो रहा कि स्टेप बाय स्टेप इसको वो उठा के चेंज करे. एक्चुअली ये हो रहा है जब हम इस तरह से इंडेक्स दे रहे हैं रेंज के साथ, सॉरी स्लाइसिंग के साथ, तो वो उस पूरे को सिलेक्ट करता है और उसको जो भी वैल्यू हम इधर देते हैं उससे रिप्लेस कर देता है. अब मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सिंपल हो जाए, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बताएं. मैम इस तरह हम एक और अगर वैल्यू ऐड करवाना चाहें इसी स्लाइसिंग कंटेंट में तो वो भी हो जाएगी. आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज. मैंने कहा कि अगर इसी तरह इसी स्लाइसिंग कंटेंट में हम एक और स्ट्रिंग ऐड करवाना चाहें लिस्ट के अंदर, लिस्ट 2 में, तो वो हो जाएगी, यानी कि 4 के बाद कुछ और भी ऐड करवाने हैं इसी स्लाइसिंग कंटेंट में. चलिए हम लोग कुछ और करवा देते हैं. वो भी प्रिंट हो गया. एक्चुअली बात यही है कि जो हम लोगों ने इधर स्लाइसिंग में दे दिए नंबर्स, उसने उन नंबर्स को सिलेक्ट करके
रिप्लेस कर देना, उसकी जगह पे ये वैल्यूज डाल देनी है। मैम इस हमने तो सिर्फ दो इंडेक्सेस दिए हैं ना, दो इंडेक्सेस की स्पेस है तो हम प्रिंट फोर करवा रहे हैं इसमें। हाँ जी ये प्रिंट फोर हो रही है, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा समझाने में इशू हो रहा है मैं दोबारा कोशिश। मैडम मैडम मैम मैम जैसे हम म्यूटेशन की अगर हम एग्जांपल देते हैं तो जो इंसर्शन होती है मैडम बेसिकली इंसर्शन हो रही है सारे उस जगह पे जो हमने स्लाइसिंग दिए 1 से 2, 1 से 3 तक ये जो प्रिंटर और सुप्रिंट उसकी जगह इंसर्ट कर रहे हैं सारे उसकी जगह में सिंपल। देखिए ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट पहली लाइन ऑफ कोड इस लाइन के पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि बी और सी को सिलेक्ट कर लो, तो उसने बी और सी को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने कहा कि इसको रिप्लेस कर दो 5 से, उसने रिप्लेस कर दिया 5 से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो ये आएगा ए 5 और डी। नो मैटर कि पहले कितने आइटम्स थे और अब कितने आइटम्स हैं, पहले वाले कम हो सकते हैं और अब वाले और पहले वाले ज्यादा भी हो सकते हैं नए आइटम से। तो सिर्फ ये होने से ये इंसर्शन और डिलीशन हो सकती है, इसको हम इंसर्शन और डिलीशन कह सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको आप इंसर्ट चेंज वैल्यू ही कहें तो बेहतर है, या इंसर्ट और डिलीशन भी हम लोग आगे देखते हैं उसमें क्या एक्चुअली होता है। उसमें हम इंडेक्स नंबर भी करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। अच्छा इसको हम लोग अभी तक के लिए थोड़ा सा रखते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मे बी आप लोगों को मजीद ऑपरेशन जब हों लिस्ट के साथ तो ये भी समझ आ जाए, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी किसी को अगर इस पार्ट की समझ ना आई तो वो फिर मुझे बताएंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो हमारी अभी आउटपुट आई है अगर हम इसकी वो इंडेक्स वो देखें इंडेक्सिंग तो उसमें वो इंडेक्स तो चेंज हो ही गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंसर्शन और डिलीशन ही हो गई है ना, यानी पूरी लिस्ट चेंज हो चुकी है, इसीलिए हमने कहा इसको कह रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं लिस्ट आइटम्स को। ये लिस्ट ही तकरीबन चेंज हो चुकी है, उसके आइटम्स को हमने इतना अल्टरनेट कर दिया। तो मैम इसमें फिर स्लाइसिंग करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। स्लाइसिंग करने का मेरे ख्याल से इस तरह फायदा हुआ कि हम अब जो है जहां हमने स्लाइसिंग उस जगह पे हमने लेके गए हैं, हमने उसको इंडेक्स 1 पे नहीं करवाना था ये जो हमने ऐड किया है, तो इसलिए स्लाइसिंग यहाँ पर यूज़ इसका सिर्फ देखें बेसिक कंसेप्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब पाइथन कैसे वर्क करे इंटरप्रेटर की वो इस चीज पूरी चीज को सिलेक्ट कर लेगा जो हमने इंडेक्स उसको यहाँ पे दिए हैं या स्लाइसिंग आप जिसको कह रहे हैं ना, स्लाइसिंग को आप वो टर्म आप ना यूज करें, आप ये देखें कि ये इंडेक्स नंबर थे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफाई रहने दें कि इतने हमने उसको सिलेक्ट कर उसको कहा कि इस सब की जगह ये रिप्लेस कर दो। सिंपल सी ये बात है, जैसे अब यहाँ पे देखें पहले जो हमारे पास लिस्ट थी उसकी लेंथ थी 4 और आफ्टर दिस चेंजिंग उसकी लेंथ हो गई है 6। ऑफ कोर्स जब लेंथ उसकी चेंज हुई है तो इंडेक्स नंबर भी उसके चेंज हो चुके हैं और उसमें चेंजिंग ही तो हमने की है और इसीलिए हम कहते हैं कि लिस्ट म्यूटेबल है, इसमें हम बाद में चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि ये सारा काम हम स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे। मैम समझ आ गई है, शुक्र है। ओके मैम अंडरस्टूड। जी मैम समझ आ गई, चलिए ठीक है अच्छी बात है। मैम जिस तरह लिस्ट 2 क्रिएट हुई है इससे हम लोग नेक्स्ट लिस्ट 3 भी क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके अच्छा नेक्स्ट हमारे टॉपिक है कि ऐड लिस्ट आइटम्स, हम लोगों ने लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम 3 मेथड्स यूज करेंगे, इनकी थोड़ा सा डिफरेंस था इनमें अपेंड इंसर्ट और एक्सटेंड। ये तीनों मेथड्स हैं जो कि आइटम लिस्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ ऐड करने के लिए। ये वही लिस्ट है लिस्ट 2, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, मैं बाकी सबको कर लूँ कमेंट कर दूँ।
अच्छा यहाँ पे है कि पहले हम अपेंड मेथड देखेंगे कि अपेंड का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं। अब हमने इस लिस्ट के एंड पे एक आइटम यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ आइटम हम लोग ऐड कर दें, तो उसके लिए हम अपेंड का मेथड यूज करेंगे। अपेंड क्या होगा, हम उसको जो भी वैल्यू देंगे वो उस लिस्ट के एंड पे ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट टू डॉट अपेंड, उसके बाद हमने कॉलन में लिख दिया रेनी सीजन, ये एक और स्ट्रिंग हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। अच्छा जैसे बाकी हम लोग मेथड्स का सिंटेक्स यूज करते हैं ना कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने वो मेथड लगाना है उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट और फिर वो मेथड और फिर पैरेंथेसिस में अगर कोई वैल्यू देनी है वो हमने लिखा, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया लिस्ट टू को। अब जो हमारे पास लिस्ट आएगी उसमें रेनी सीजन भी ऐड हो चुका है, बाकी सब आइटम्स वैसे ही हैं और ये नेक्स्ट न्यू आइटम जो हम इसमें ऐड करवाना चाह रहे थे वो भी ऐड हो चुका। मैम ये हमेशा लास्ट में ही ऐड करेगा, मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम नहीं ऐड कर सकते इसको? नहीं, आप अपेंड के साथ हमेशा लास्ट पे ही ऐड करेंगे और अपेंड के अंदर जो आप चीज देंगे ना वो उसको वैल्यू कंसिडर करेगा, ये इंडेक्स को नहीं जानता। ये बस जानते हैं कि लिस्ट जो मेरे पास है उसके एंड पे जो मुझे वैल्यू दी हुई है वो हमने ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कोई नंबर भी ऐड करते हैं तो उसने एंड पे हमें वो नंबर दे दिया, ये नहीं जानता कि इंडेक्स क्या है, वो ये वैल्यू को ही देखेगा। अपेंड की यही प्रॉपर्टीज हैं कि अपेंड मेथड में जो भी हम ये क्या ऐड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू ऐड करेगा और सेकेंडली ये एंड पे ही ऐड करेगा, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे नहीं ऐड करेगा। मैम अगर हमने विंटर के बाद करवाना हो, अगर हम उसे इंडेक्स देना चाहते हो, फिर अपेंड नहीं करेगा? नहीं, फिर अपेंड हमारे काम किसी काम का नहीं होगा। अगर हम विंटर के बाद कुछ ऐड करना चाहें उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंसर्ट। मैम जो अपेंड है ये जस्ट लिस्ट में कैपेबल है? नहीं, ये बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स में भी यूज होता है, उसमें भी साथ साथ हम लोग इंसर्ट पे जाने से पहले ना प्लीज अपेंड में ना आपने सिंगल पैरामीटर पास किया ना तो एक और वैल्यू पास करके इनसे पूछें क्या होगा और उसे परफॉर्म करें प्लीज, कॉमा लगा के ना कोई भी वैल्यू दे दें। अच्छा आइडिया। मैम अगर हम कोई बताना चाहेगा मेरे रन करने से पहले? दोनों ऑटम के बाद 5 पे 5 और 8 आ जाएगा। ऑटम के बाद मैम 5 और 8। हर चीज की हर मेथड की हर फंक्शन की अपना अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और मजे की बात होती है एरर में हम लोगों को बता भी रहे होते हैं कि एरर क्या है। वो कह रहे हैं कि अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, यहाँ पे दो दिए हैं। आप लोगों ने वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया? जी बिल्कुल हसन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एरर है यहाँ पे जो हम लोग ऊपर यूज कर रहे थे। ये देखें कि वो चीज अलग है, वो वे ऑफ चेंजिंग अलग है जिसमें हम लोग इंडेक्स दे रहे हैं और रेंज ऑफ इंडेक्स दे रहे हैं, और अपेंड बिल्कुल अलग है। अपेंड हमेशा सिंगल वैल्यू को ही ऐड करेगा लिस्ट के एंड पे, उसको एक्चुअली वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक आर्गुमेंट, तो अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट दिए तो मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। आर्गुमेंट को तो आप लोग समझते हैं ना कि जो उसको हमने पैरामीटर दिए कुछ वैल्यूज दी। ऐसे करें कि एक लिस्ट दे रहे हैं इसमें और उसमें मल्टीपल वैल्यूज दे दें और फिर पूछेंगे। वैसे वो मैं बाद में डिस्कस करना चाह रही थी, मैंने जॉइनिंग लिस्ट में हम लोग अपेंड पे दोबारा पढ़ेंगे लिस्ट के साथ। मैं मैडम हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है मैडम? ये यस मैडम, ये जाहिद आपकी आवाज नहीं आ रही या सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही? नहीं, इनकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। मैं मेरा क्वेश्चन है अपेंड का मतलब है कि वो लास्ट पे ऐड करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट प्रिंट के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है। मैं कह हाँ जी अपेंड का मतलब है कि वो लास्ट पे ऐड करेगा। हाँ, वो लास्ट पे ऐड करेगा और सेकंड इसका फंक्शन ये है कि मतलब वो टू और मोर वैल्यूज एंटर नहीं कर सकता। अगर हमने अपेंड यूज करके टू और मोर वैल्यूज लास्ट पे एंटर करनी हो तो इसका कोई मेथड है? हम लोग
टू, अच्छा चलिए अब आपने सवाल पूछे तो मैं इसका आंसर कर ही देती हूँ। अच्छा जाहिद, आप कह रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन में डायरेक्टली कह रहे, ठीक है हम ये भी करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ठीक है, हम लोग कहते हैं, आप कह रहे हैं कि अपेंड के अंदर अगर हम अपेंड के थ्रू ज्यादा वैल्यूज एंटर करना चाहें तो वो ऐसा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एज इट इज उठा के इसमें ऐड कर दें, जैसे हम किसी लिस्ट को, किसी टपल को उठा के इसमें ऐड कर दें, अपेंड कर दें, तो ऐसा हो सकता है। जैसे ऊपर हमारे पास एक लिस्ट वन भी थी, अगर हम इसके अंदर कह दें कि अपेंड कर दो लिस्ट टू में लिस्ट वन, अगर वो लिस्ट वन को देख ले तो ये चीज उसने कर दी। देखें पहले यहाँ तक समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, यहाँ तक तो वो लिस्ट टू एज इट इज प्रिंट होगी, उसके बाद लिस्ट जो वन थी जो हमने अपेंड करवाई थी वो एज अ लिस्ट इसके अंदर एंटर हो गई है इसके एंड पे। लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट हो तो उसे नेस्टेड लिस्ट नहीं बोलते आई थिंक। हाँ जी सही है, सही समझ आ गया आप लोगों को। यानी हम इसमें फिर से वही चीज आती है कि जो पैरामीटर हमने कोई देना है सिंगल ही देना है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे हम वो कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट दे दें, कोई लिस्ट दे दें, सेट दे दें, टपल दे दें, या फिर कोई एक स्ट्रिंग दे दें, एक वेरिएबल दे दें, वो उसके लेकिन एक होना चाहिए पैरामीटर, वो हमारी जो गिवन लिस्ट है उसके एंड पे उसको ऐड कर देगा। इस बात में कोई मसला तो नहीं? अच्छा जाहिद का क्वेश्चन था कि आप डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन में इसको लिख के देखें। जब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ओके मैं यहाँ ऐड करना चाहती थी एक चीज, अभी आपने जैसे प्रिंट करवाया ये, तो कोई बताना चाहेगा ये जो होल फाइव टेबल ओपन थ्री एंड टू, इनका इंडेक्स क्या होगा? मैम इन सब का एक ही इंडेक्स होगा, एक ही नंबर होगा, कोई फोर इंडेक्स होगा, फोर इंडेक्स होगा। ओके यानी कि फोर इंडेक्स होगा, तो बेसिकली यहाँ मेन पॉइंट ये है कि अपेंड में हम जो चीज भी लिखेंगे वो एक ही इंडेक्स पे इंसर्ट होगी, एक एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे। यस as a one element काम करेगा, वो different indexes पे value place नहीं करेगा। हमें अगर different indexes पे करवाना हो तो मतलब append उसमें काम नहीं करेगा, हमें कोई और function use करना पड़ेगा। yes हाँ जी वो काम नहीं करेगा जी बिल्कुल। अब अगर जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनाई है वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनका इंडेक्स अगर हमने कोई मतलब इंडेक्स के जरिए एलिमेंट को अप्रोच करना उस पे इंडेक्स अप्लाई होता है, लेकिन अभी के लिए हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए आप कुछ मेथड डिस्कस करें तो वो करें इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। कि अगर हम लिस्ट मैम अपेंड का था कि लास्ट पे इसने एंटर करना है, तो अगर हम लोग विंटर के बाद कोई करवाना चाहें तो वो कैसे होगा? इससे नेक्स्ट जो है ना मेथड आप वही पढ़ेंगे कि आपने अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। बेसिकली हर मेथड होता है और उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, तो अपेंड जो है वो इसीलिए यूज हो रहा है कि हमने एंड पे इंसर्ट करना है। ठीक है, इनकेस मतलब ये है कि अगर ये देखिए हमारी स्ट्रिंग जो थी ये फोर इसकी लेंथ थी, ठीक है, तो अब मैं इंसर्ट कर रही हूँ फिफ्थ एलिमेंट कह लें, ठीक है, तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? वो अपेंड के जरिए ही पॉसिबल हुआ। मैं भी ये देखें कि हमने कहा कि अगर हमने आइटम्स ऐड करनी है लिस्ट के अंदर तो हम ये तीन मेथड्स यूज कर सकते हैं, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। अब इन तीनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है और इन तीनों का स्कोप ही डिफरेंट है, हमें लोगों को जिस मेथड की जरूरत होगी हम वो यूज करेंगे। अपेंड का मतलब सिर्फ यही है कि आपने लिस्ट के एंड पर आइटम एंटर कर देना है, आइटम या ऑब्जेक्ट जो भी है, और जो इसको पैरामीटर देना है वो एक होना चाहिए, एक पैरामीटर सिंगल, फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट मेथड हमारा इंसर्ट है, लेकिन उस पे जाने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो जाहिद का था कि अगर हम प्रिंट के अंदर इसको देखें
जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हमने पहले लिस्ट के अंदर चेंजेस करे थे, लिस्ट स्टार्ट अपेंड फिर लिस्ट वन, अब हम कहते हैं कि हम इसको एक फिर बाद में हम लिस्ट टू को प्रिंट करे थे, अब हम कहते हैं कि प्रिंट के अंदर ही ये पूरी चीज हो जाए, प्रिंट का फंक्शन भी हो और लिस्ट टू डॉट अपेंड लिस्ट वन ये पूरा सारा जो प्रोसेस है ये भी हो जाए, तो इसका क्या आउटपुट मिलेगा जाहिद आप ही बताएंगे। जाहिद के स्पीकर के साथ कोई इशू है, कोई और बताना चाहेगा? मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जाहिद कह रहे हैं कि एरर आएगा। क्वेश्चन ये कि देखें जैसे हम लोग पहले हमने किया कि लिस्ट टू को हमने चेंज किया, किस तरह से चेंज किया कि उसके अंदर अपेंड कर दो लिस्ट वन, लेकिन ये चीज प्रिंट नहीं हो रही थी। अगर हम यहाँ तक क्वेश्चन को कर देते, पहले ये था हमारा क्वेश्चन सॉरी प्रोग्राम कि ऐसे था लिस्ट टू डॉट अपेंड लिस्ट वन और उसके बाद प्रिंट कर दो लिस्ट टू, अगर हम यहाँ तक उसको सेव करते तो वो इंटरप्रेटर में चेंजिंग हो जानी थी लेकिन वो प्रिंट नहीं होना था, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करवाया था लिस्ट टू को, तो वो हमारे पास चेंज जो चेंज लिस्ट है जिसके अंदर ये अपेंड हो चुकी थी वो आ चुकी थी, लेकिन अब अगर हम कह रहे हैं कि वो जाहिर कह रहे हैं कि इसके अंदर ही हमने अपेंड करवा दें, हम अलग से दो लाइंस ना लिखें, तो अब मैं पूछ रही हूँ कि अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? मैम हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस तो कोई नहीं है, बस यही है कि हमने टू लाइंस को वन लाइन में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल डिफरेंस कोई नहीं है, हम लोग पहले इस तरह से करते आए हैं कि टू लाइंस को वन लाइन में किया हमने कन्वर्ट। लेकिन जाहिद कह रहे हैं एडिट आ रहे, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप दोनों सब का गैस गलत है, हमारे पास रिटर्न हो गया नन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो तीनों मेथड्स हैं एक्सटेंड इंसर्ट और अपेंड, इनकी रिटर्न टाइप नन है। रिटर्न टाइप क्या होती है? जैसे हमने स्ट्रिंग में एक मेथड देखा था जिसको शायद वो था मेथड जिसमें स्लाइसेस हो जाते हैं, स्लाइसिंग का मेथड था शायद, जिसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता था वो लिस्ट की फॉर्म में मिलता था। अगर हम उसकी डेटा टाइप चेक करते थे तो भी वो बताता था कि ये क्लास लिस्ट से है क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप लिस्ट थी। इसी तरह इन तीनों मेथड्स की जो रिटर्न टाइप है वो है नन। अगर हम इनको डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो हमें नन आउटपुट में आएगा, लेकिन अगर हम इसको कहेंगे कि पहले इसमें चेंजेस कर लो, अब अपेंड को ना प्रिंट करवाओ बल्कि चेंज हुई हुई लिस्ट को प्रिंट करवा दो, फिर हमारे पास वो चेंज लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसमें करना चाहें तो इन तीनों मेथड्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी रिटर्न टाइप बाई डिफॉल्ट नन है। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम। नो मैम आप चैट नहीं आई, नहीं समझ आई? अच्छा नो मैं फिर से बताती हूँ, कुछ ऐसी हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी बाय डिफॉल्ट एक रिटर्न टाइप सेट होती है, वही हमें आउटपुट में मिलता है, उस टाइप का ही आउटपुट हमें मिलता है। जैसे आप लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा, ऑपरेटर में जो डिवीजन ऑपरेटर था उसकी रिटर्न टाइप थी फ्लोट, जो भी हम लोगों को आउटपुट मिलता था वो फ्लोटिंग नंबर में मिलता था, अगर वो नंबर फ्लोट में ना भी हो तो उसको पॉइंट जीरो बना के वो फ्लोट में कन्वर्ट करते थे। और फिर हमने देखा था फ्लोट डिवीजन जिसमें हर चीज हम लोगों को इंटीजर में मिलती थी, अगर फ्लोट वाला नंबर आ भी रहा हो जैसे 5.5 आना है आंसर तो वो सिर्फ हमें 5 देगा, सिर्फ इसलिए कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होनी चाहिए। इसका ये बताने का मकसद है कि कुछ बाय डिफॉल्ट या उसके पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर या पाइथन के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी रिटर्न टाइप फिक्स होती है। इसी तरह ये जो तीनों मेथड्स हैं अपेंड इंसर्ट और एक्सटेंड, सिर्फ ये नहीं है इनके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, इनकी रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट सेट हो गई है नन। इनको जब हम डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट हमेशा नन आएगा, नन एक रिटर्न टाइप है इसकी। और अगर हम लोग लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिर फंक्शन नहीं करता, फंक्शन करता है लेकिन इस तरह से कि जैसे हमने पहले कहा कि हमने इन मेथड्स को यूज करना है लेकिन हमने नन रिटर्न नहीं करवाना, हमने जो चेंजेस करवाई है लिस्ट में वो करवानी है। इसके लिए हम लोग इस तरह से करते थे कि पहले हमने ये पूरा प्रोसेस किया कि जनाब लिस्ट टू जो है उसमें ये चेंजेस कर दो, क्या चेंजेस कर दो, उसमें अपेंड कर दो यानी उसके एंड पे ऐड कर दो ये पैरामीटर जो कि लिस्ट वन है,
तो लिस्ट टू हमारे पास चेंज होके मेमोरी में सेव हो चुकी है। अब जब हम लिस्ट टू को अप्रोच करेंगे तो वो जो चेंज लिस्ट टू है वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। अब हम लोग अपेंड को नहीं यहाँ पे रिटर्न करवा रहे, लिस्ट टू को रिटर्न करवा रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट है वो भी लिस्ट ही मिलेगी। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें हम डायरेक्ट अपेंड का फंक्शन यूज कर दें, तो अपेंड की वजह से, प्रिंट में अपेंड होने की वजह से हमें रिटर्न हमेशा नन मिलेगा। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि इसके सिंटेक्स के मुताबिक आप इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, एक लाइन में नहीं लिख सकते, दो लाइन्स में आपको लिखना पड़ेगा। और मैडम अगर हम इसको प्रिंट में लिखे तो बाकी चेंजेस हो जाएगा? क्या अगर इसको क्या करें तो चेंजेस होंगे? अगर हम इसको प्रिंट में लिखे एक ही लाइन में लिखे तो लिस्ट टू जो है ना वो अपडेट हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को रिटर्न में हमेशा नन ही मिलेगा, हमारे टर्मिनल पे या हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हम लोगों को नन मिलेगा। बैकएंड मैम जब हमने लिखा था, मैम जी जब हमने लिखा था प्रिंट के बाद लिस्ट टू डॉट अपेंड इनटू लिस्ट वन, तो इसने हमें नन की प्रिंट करवाया। हम तो इसकी डेटा टाइप तो पूछ नहीं रहे थे, डेटा टाइप के लिए तो इस तरह नहीं था कि प्रिंट के बाद हमने टाइप वर्ड लिखना था। आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैंने भी ऑपरेटर्स की एग्जांपल दी, वो आपको समझ आई? यस मैम, वो तो मुझे पता है ना, डिवीजन और फ्लोट डिवीजन वाले। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करती हूँ, एक और ब्लॉक ऐड करती हूँ। यस मैम, इसका तो 1.0 आएगा ना? ये हमें फ्लोट क्यों दे रहा है? हमने इसकी टाइप तो नहीं ना पूछी, हमने तो कहा था कि बस इसको कर दो डिवाइड, और वो डिवाइड में तो हमारे पास 1 सिंपली आना चाहिए था, पर वो 1.0 ही दे रहा है। और अगर हम फ्लोट डिवीजन यूज करते तो इसने फिर हमें और चीज, अब हमने इसको ये तो नहीं कहा था कि जो हमने जो आपकी डेटा टाइप आपको सेव है वो हमें आउटपुट में दो, ऐसा नहीं कहा था। अब इसकी जो डेटा टाइप है ना, ये अलग बात है कि वो फ्लोट और या इंटीजर फिक्स हुई हुई है, कि फ्लोट डिवीजन की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर आएगी, और जो सिंपल डिवीजन है उसकी रिटर्न टाइप होगी फ्लोट। तो फ्लोट और इंटीजर ऐसे रिटर्न टाइप्स हैं जिसमें डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यूज से। लेकिन नन रिटर्न टाइप ऐसी है कि आपको कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी, आपको नन लिखा हुआ नजर आएगा। ये चीज मैम जब इसने बंद दिया था, हम ये तो कह नहीं सकते कि ये यहाँ हमें इंटीजर उसकी डाटा टाइप देगा, लेकिन जब हमने ये ऊपर वाला पेंड वाला पढ़ा ना, उसमें इसने अपनी डाटा टाइप हमें क्यों नन शो करवाई है? हिजाब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो। हाँ जी आपकी आवाज क्लियर है, आप करना चाहेंगे आप जरूर करें ऐड। ओके बेसिकली मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास होता है फंक्शन, ठीक है? अब हम फंक्शन कैसे लिखते होते हैं कि def कीवर्ड यूज करते हैं एंड देन अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज अब जो हमने यहाँ फंक्शन यूज किया है वो था अपेंड की बात हो रही है ना, ऐसे ही है? हाँ yes. जी अपेंड बात हो रही है। तो ये था अपेंड, ठीक है? और देन हम ना इसके नीचे लिखते हैं, ये चीज हो गई, एंड देन इसके नीचे जो होता है वो पूरा ब्लॉक होता है किस्म का, उसके अंदर हमने वो सारी कैलिंग स्टेटमेंट्स दी होती हैं, लाइंस लिखी होती हैं कि आपने वर्क क्या करना है। लेट्स सपोज अपेंड का जो वर्क है वो ये है कि इसने लिस्ट का जो लास्ट इंडेक्स है उसे स्कैन करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर देनी है। ऐसे ही है, मतलब लिस्ट के लास्ट पे कोई भी वैल्यू, वट एवर जो हमने इसे दी एज अ पैरामीटर पास किया, वो इसने पुट कर देनी है। लेकिन खुद इसमें क्या आएगा, अपेंड का मेन पर्पज क्या था कि उसने वो वैल्यू वहां ऐड करनी थी, उसने वो कर लिया, एंड देन फंक्शन से निकलने का तरीका या फंक्शन के ब्लॉक से जो कह लें कि हमने फर्दर आगे मूव करना है, तो वो क्या होता है, हमें एक रिटर्न वैल्यू देनी होती है, यहाँ पे लिखना होता है रिटर्न, कि जब ये सारा काम हो जाए, ये जो मैंने लाइंस या इंस्ट्रक्शंस दी थी, जब ये सारा वर्क डन हो जाए तो आपने रिटर्न करना है। और रिटर्न के साथ हमें हम क्या करते हैं ज्यादातर कि हम आगे लिख देते हैं कि आपने रिटर्न में क्या लेके जाना है। लेकिन इन केस ऑफ अपेंड, अपेंड में तो कुछ हम स्टोरी नहीं करवा रहे, वो खुद कुछ नहीं लेके जा रहा, बेसिकली हमारे पास जो लिस्ट टू बनी थी, आई थिंक लिस्ट टू ही वेरिएबल यूज किया होगा, ओके लिस्ट टू बनी थी उसमें चेंजिंग हो गई, लेकिन अपेंड में कुछ भी नहीं है,
That's why we return none. तो जहां भी अगर मैं कॉल करूं अपेंड के फंक्शन को तो वो क्या करेगा, अपनी ये सारी परफॉर्मेंस तो डन कर देगा, लेकिन जब उसके कह लें कि रिटर्न वैल्यू की बात आएगी तो वो ये नन वैल्यू रिटर्न करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपने जो मुझे कहा था मैंने डन कर दिया. समझ आई आप लोगों को? Yes, ma'am, I got it. Okay, बाकी सबको भी आ गई? Okay. जी मैम. Yes, clear. हिजाब आप कैरी ऑन कर सकते. ओह सॉरी. थैंक यू सो मच निमरा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने. तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है सबका कि ये क्यों आएगा. इसीलिए हम लोग इसको दो लाइंस में ही लिखेंगे, हम इसको एक लाइन में नहीं लिखना चाहेंगे. सेम इज द केस विद इंसर्ट एंड एक्सटेंड. अच्छा, इंसर्ट और एक्सटेंड में अब क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. अपेंड में हमने देखा कि इंडेक्स के मुताबिक वो हम लोग उसको नहीं करना चाह रहे थे. हम जो भी वैल्यू ऐड होती थी वो एंड पे ऐड हो जाती थी, लिस्ट के एंड पे. लेकिन जैसे आप सब ने पूछा कि अगर हमने विंटर के बाद कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो ऑफकोर्स हमें इंडेक्स के थ्रू ऐड करनी है. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट का फंक्शन. और इसका सिंटैक्स क्या है कि हमने लिस्ट टू में इंसर्ट किया डॉट इंसर्ट. पहले हमने इंडेक्स दिया, उसके बाद हमने दे दी उसकी वैल्यू. हमने कहा कि इंडेक्स नंबर वन पे ऐड कर दो ग्रेट, तो वो उसको इंडेक्स वन पे ऐड कर देगा. अच्छा, एक और चीज आप लोग नोट करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेंज नहीं हो रही वैल्यू, सिर्फ ऐड हो रही है. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हम एक रेंज देते हैं इंडेक्सेस की कि दिस स्टार्टिंग पॉइंट कॉलन और एंडिंग पॉइंट, और उसकी जो वो रेंज होती है उसकी जगह कुछ और ऐड हो जाता है. लेकिन जहाँ पे सिंपली ऐड हो रहा है, इंडेक्स नंबर वन पे विंटर है तो अब वो इंडेक्स नंबर वन पे ग्रेट आ जाएगा और ये जो पूरी लिस्ट है इसके इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे, एक एक पॉइंट आगे हो जाएगा. जैसे यहाँ पे समर इंडेक्स नंबर वन पे ग्रेट, उसके बाद बाकी सारी जो आइटम्स हैं लिस्ट के वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे. हम इसका इंडेक्स चेंज करके भी देख लेते हैं. अब ग्रेट इसमें स्टार्ट में आ गया. अगर हम इसको एंड पे ही लिखना चाहें तो भी हम इसका इंडेक्स स्पेसिफाई कर देंगे. ओके, मेरा यहाँ क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट से, अगर कोई आंसर करना चाहे. इंसर्ट का हम पढ़ रहे हैं मेथड, ठीक है. तो लेट्स सपोज अगर मैं जो भी आप लिस्ट यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, हिजाब 4 है ना. ओके, तो अगर यहाँ हम 4 लिख दें इंडेक्स नंबर तो क्या आउटपुट आएगी और वो कैसे वर्क करेगा? फोर्थ इंडेक्स पर ये इंसर्ट कर देगा, ग्रेट. 4 पे नहीं करेगा, 3 पे करेगा. थर्ड पे, जी मैम, 3 पे ये कर देगा ग्रेट स्प्रिंग की जगह पे. जब हमने 0 इंडेक्स लिखा था तो इसने 0 इंडेक्स पे जाके पुट की थी ना वैल्यू, और 1 लिखते हैं तो पहले ये बताएं कि इसमें फोर्थ इंडेक्स है कौन सा. नहीं है मैडम, इसमें फोर्थ इंडेक्स नहीं है. हां जी, तो अब क्या होगा जबकि फोर्थ इंडेक्स मौजूद ही नहीं है इसमें, तो ये ऑटम में नहीं रिप्लेस होगा. मैम ये ऐड कर देगा, फिर ये खुद से ऐड करके वहां पे कर देगा शायद. मैम बेसिकली ये लिस्ट को अपडेट कर रहा है ना, तो ये आई थिंक लास्ट पे ऐड कर देगा. जी बिल्कुल, ये न्यू इंडेक्स. अच्छा, अगर इसमें मैं और चेंज करूं, इसे मैं 5 कर दूं, अब क्या होगा? मैम फिर भी लास्ट पे ऐड कर देगा. फिर भी लास्ट पे ऐड कर देगा, बिल्कुल. अगर आप स्पेसिफिक जो इंडेक्सेस हैं उसके बाहर भी कोई इंडेक्स दे देते हैं, जैसे जो इसकी लेंथ के अंदर नहीं है, तो फिर वो लास्ट पे ही उसको ऐड कर देगा. देखिए मैम, दरमियान में जो इंडेक्स एक खाली नहीं रह जाएगा, तो वो इस एक दफा इसे करके देखें. किसको करके देखें? हिजाब, आप नीचे ना लिस्ट 2 का एलिमेंट प्रिंट करवा लें, 4 इंडेक्स वाला. और 5 वाला भी करवा लें, दोनों को रन कीजिएगा. अब देखें ये एरर क्यों आया, क्योंकि 5 तो इंडेक्स उसमें है ही नहीं, अगर हम सिर्फ 4 करना चाहें तो. ग्रेट,
जो इसमें ऐड हो चुका था हमारे पास। मैम तो के ओके जिनका क्वेश्चन था कि दरमियान में जगह खाली रह जाएगी या एक इंडेक्स फ्री रह जाएगा, उन्हें समझ आ गई इस बात की? नहीं मैम। ओके बेसिकली होता क्या है, अब हमारे पास हमने उसे ऐसा इंडेक्स दे दिया जो कि पहले लिस्ट में कह लें कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पहले स्कैन किया, उसने कहा कि इन्होंने मुझे जो इंडेक्स नंबर दिया है, लेट्स सपोज वो इस एग्जांपल में 4 था, तो वो 4 इंडेक्स को ढूंढेगा। अब उसने 4 इंडेक्स ढूंढा लेकिन उसे मिला नहीं, तो उसने कहा चलें कोई नहीं, मुझे इंडेक्स तो नहीं मिल रहा लेकिन जो यूजर है वो इंटरेस्टेड है कि मैंने इंसर्ट करना ही करना है, तो आप ऐसा करें कि लास्ट में इंसर्ट कर दें। तो लास्ट का मतलब ये है कि जो भी लास्ट इंडेक्स है, मतलब इस केस में 3 था, तो 3 के 4 ही बाद वो इंसर्ट कर देगा, नो मैटर मैंने उसे क्या कहा था। ओके ओके मैम, लेकिन वो फोर्थ इंडेक्स पे एक जो वेरिएबल वो क्रिएट करेगा, मतलब एक एलिमेंट वो क्रिएट करेगा कि वो होगा ही नहीं फोर्थ इंडेक्स। देखिए मैंने जब उसे कहा ना एलिमेंट